नमस्कार, वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में काफी बड़ा उतार चढ़ाव हमने देखा। जनरली हमने देखा कि पहले 15 दिन के अंदर सोने के अंदर $100 की तेजी बनते हुए देखी, बट कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं यूएस से, चाहे हम जॉब डेटा की बात करें या जीडीपी की बात करें या फेड के जो नए स्टेटमेंट्स आए हैं, उनको देखते हुए सोने में फिर से हमने एक बिकवाली बनते हुए देखी। पूरे एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो गोल्ड में डोमेस्टिक मार्केट में 3% की गिरावट आती हुई दिखाई दी। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी 4.5% की गिरावट बनती हुई दिखी। इन दोनों कमोडिटी को देखने का दूसरा नजरिया भी है, जो है M6 के बुलडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल 3.5% की गिरावट आते हुए दिखाई दी है। कहीं ना कहीं फंडामेंटल साइड की अगर हम बात करें तो गोल्ड इस वक्त $1800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो काफी कंसर्निंग है, बिकॉज टेक्निकली और फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो 1800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। जिस ढंग से हमने देखा यूएस की जो इकोनॉमी डेटा लिफ्टअप दिखा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में तेजी, बॉन्ड यील्ड में तेजी है, जिसके चलते हमने सोने और चांदी में गिरावट आते हुए देखी। कहीं ना कहीं इनिशियल जॉब लेस क्लेम है वो 1969 के लोएस्ट लेवल पे पहुंचते हुए दिखाई दिए, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी में एक अच्छा पुश मिल रहा है। साथ में हमने देखा बॉन्ड यील्ड भी है जो 4 हफ्ते के हायर लेवल पे पहुंच चुके। फेड की जो मीट थी यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने इन्फ्लेशन को एक्नॉलेज किया और बताया कि आगे जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो 2% के ऊपर की रह सकती है, बट कहीं ना कहीं इसके चलते बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम है उसमें रिडक्शन, और साथ में 2022 सेकंड हाफ के अंदर इंटरेस्ट रेट जल्द बढ़ सकती है इन्फ्लेशन को देखते हुए, जिसके चलते सोने चांदी में गिरावट थी। बट नहीं भूलना चाहिए हमें कोरोना के कंसर्न, जिनसे यूरोप मार्केट के अंदर हमने देखे नए कोरोना के कंसर्न बढ़े हुए हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और काफी अदर देश है जहाँ पे हमने लॉकडाउन फिर से लगते हुए देखा है, जिसके चलते भी हम प्राइजेस को एक सपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में फिजिकल डिमांड में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दी। तो अगले एक हफ्ते की बात करें तो बड़ी गिरावट के बाद प्राइजेस कहीं ना कहीं अपने आप को संभलता हुआ दिखाई देगा। और इंटरनेशनल में हमें लगता है जब तक 1770 का लेवल ब्रिज नहीं होता, 1820 तक का एक पुलबैक हम गोल्ड में देख पाएंगे, $24 से $24.20 तक का रेंज हम चांदी में देख पाएंगे। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो गोल्ड हमें लगता है कि 48500 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है, जबकि चांदी 64500 तक का एक पुलबैक फिर से दिखा सकता है। तो बड़ी गिरावट के बाद सोने चांदी में थोड़ा बहुत पुलबैक है, बट जब तक की लेवल 1820 2420 के ऊपर गोल्ड और सिल्वर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम फिर से दबाव में आते हुए दिखे, तो थोड़ा संभल के रहिए। ईयर एंड है, यहां पे हम एक वॉलेटिलिटी वाला ट्रेड होते हुए देख पाएंगे। धन्यवाद।